अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड, जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले ले लेंगे हम कस्टर्ड। तो ये मैंने लिए है मैंगो फ्लेवर में। तो आप लोग जिस फ्लेवर का लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। तो उसको हम लोग एक बाउल में निकाल लेंगे। ये तकरीबन होंगी 4 से 5 चम्मच। फिर इसी बाउल में हम लोग ऐड कर लेंगे दूध को। थोड़े से दूध को हम लोग ऐड कर लेंगे ताकि ये कस्टर्ड उसमें मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग ले लेंगे 1.5 किलो दूध। फिर हम लोग इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। फिर इस सब को डाल देंगे हम लोग दूध के अंदर। दूध हमने लिया है 1.5 किलो, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फिर चीनी, चीनी हम लोग ले लेंगे 1 कप के करीब। हम लोग चीनी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी, ये अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। अब से इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे हम लोग मिक्स। फिर इसके बाद हम लोग इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जो आंच होगी चूल्हे की वो हम लोग उन्हें तेज़ ही रखने, और ये बहुत ही जल्दी से पक जाता है। ये 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है। चलें जी, अब इसमें डाल देंगे इलायची ताकि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा है। अब जी, आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमने चम्मच हिलाते ही रहना है। अगर हम हिलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा हमारा कस्टर्ड। तो हम लोग जितनी देर इसको गाढ़ा करेंगे तो हम लोग इसको हिलाते ही रहेंगे, चम्मच को हिलाते जाएंगे। चलें जी, अब हमारा कस्टर्ड रेडी है। हम लोग चूल्हा बंद कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये ठंडा हो सके और हम लोग इसमें फ्रूट्स और केक फिल कर सकें। फ्रूट्स में मैंने लिए हैं केले और सेब। हम लोग इसको कट कर देंगे, छोटे छोटे पीसेस में हम लोग इसको कट कर देंगे, और केक को भी हम लोग छोटे छोटे पीसेस में ही कट कर लेंगे। चलें जी, इस तरह से हम लोग इस सबको ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको फ्रिज में रख लेंगे ताकि ठंडा हो सके। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।